दोस्तों बात करने वाले ओलेक्ट्रा गारंटी के स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ओलेक्ट्रा के अंदर दिन भर गिरावट थी, मार्केट के पहले सेशन में गिरावट थी। मार्केट का जो यहाँ पे क्लोजिंग वाला सेशन था उसमें आप देखेंगे स्टॉक ने दोस्तों अच्छा रिवर्सल दिया। अराउंड यहाँ पे 1999 रुपए पे स्टॉक की आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस अपडेट कर रहा हूँ कि क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है ना, अपना टारगेट दूसरा क्या रहेगा। देखो पहला अपना जो टारगेट था 2000 रुपए का, दोस्तों वो कब का अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट अपना यहाँ पे दोस्तों 2200 रुपए का रहने वाला। दोस्तों उसमें कितना टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ी चीज अभी के टाइम दोस्तों स्टॉक में चल क्या रहा है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। देखो दोस्तों, पिछले अगर 5 दिन का रिटर्न आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको 4% पॉजिटिव, 4-5% का रिटर्न बना है। पिछले 1 महीने में 21% तक की जो रिटर्न है वो हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले। एंड भाई पिछले 6 महीने में तो स्टॉक ने बड़ा धमाका कर दिया, ऑलराउंड यहाँ पे 77% तक के रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिले। कंसोलिडेट जोन से भाई स्टॉक ने धमाका यहाँ पे किया है, बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई है दोस्तों हर एक लेवल पे। जब स्टॉक ने 1000 रुपए के आसपास था तब भी हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था एंड बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के देगा। वो चीज आप देख सकते हैं, 70% तक के रिटर्न यहाँ पे बने हैं उन लोगों के जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले होल्ड, मतलब 6 महीने से होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे चीजें समझना चाहिए। एंड दोस्तों अब आगे क्या होगा, मेन चीज आज का देखो जो स्टॉक करंटली बाउंड भी है वो हमें 2134 रुपए का नजर आ रहा है। अब कई लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने 2100 रुपए के आसपास खरीदा है, 2000+ की जिनकी खरीदारी है, तो उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो आप पहले डाटा एक बार समझ लेते हैं आज का। देखिए 2% की तेजी रही है इन मार्केट में भी दोस्तों, एक अच्छी तेजी आज नजर आई है। करंटली देखो स्टॉक के आज वॉल्यूम ने धमाका किया है, अराउंड 28 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। करंटली एमओ पॉजिटिव है 2500 शेयरों के साथ। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों डिलीवरी रहेगी। देखो इन स्टॉक्स की डिलीवरी बहुत कम रहती है, ट्रेड के बलबूते पर ये ऊपर जाते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा 11-12% की डिलीवरी है, अराउंड यहाँ पे 3 लाख शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे नजर आई, कुछ ज्यादा बड़ी डिलीवरी यहाँ पे नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे लिए डाटा रहने वाला स्टॉक का टेक्निकल डाटा। देखो रिजल्ट हमने देखे, रिजल्ट कंपनी के धमाकेदार देखने को मिले। कई लोग भाई मार्केट कैप से जज करते हैं स्टॉक को यहाँ पे कि भाई मार्केट कैप कम है डेफिनेटली ये तो घटेगा, ये तो मैनिपुलेट किया गया है। देखो मार्केट कैप तब बढ़ता है, मतलब मार्केट कैप कम है पर स्टॉक का प्राइस तब वैल्यू वन बनता है जब दोस्तों स्टॉक में, मतलब यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो अब तक एक बार भी स्टॉक टुकड़ों में नहीं बटा है, कन्फर्म ये चीज आप कर लेना। एंड देखो जैसा कि हमने एमआरएफ का देखा है भाई, एमआरएफ का आप देखेंगे तो एमआरएफ का स्टॉक एक बार भी नहीं टूटा है। एंड जैसा कि हमने टाटा स्टील को पहले देखते थे 800 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, स्प्लिट हुआ एंड 8 से 8:1 के बदले, यहाँ मतलब 1 के बदले 8 शेयर मिले थे उसमें, तो ऐसे टूटा। तो ऐसे स्टॉक एक बार भी नहीं टूटा है, बोनस शेयर वगैरह कंपनी ने कभी भी नहीं दिए। तो यहाँ पे ये चीज प्लस है इसलिए इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एंड करंटली मार्केट कैप स्टॉक का 15,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है टेक्निकल डाटा है दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसा कि 1-1.5 साल बाद आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको ऑलराउंड यहाँ पे 5,000 का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। भाई जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, कंपनी का फाइनेंस है, डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ है कंपनी के द्वारा। एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों चार्ट के, चार्ट पैटर्न को एक बार ठीक से आप समझ लीजिए। देखो जो देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था भाई, इसके बाद देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद नॉन स्टॉप स्टॉप ऊपर भागा, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नजर आई है। बट अभी के टाइम दोस्तों चार्ट पैटर्न ऐसे ही बन रहे कि अभी और ऊपर जाए। करंटली जो 2200 की टारगेट था वो आसानी से यहाँ पे ये हमें दिखा सकता है अगर आप पेशेंस रखते हो। तो देखो चार्ट करंटली बहुत स्टेबल है, यहाँ पे भी के टाइम आप देखेंगे पहले कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, इसके बाद देखो स्टॉक ने कितनी गजब रैली यहाँ पे दिखाई है। एंड सिंपल डिटेल के अकॉर्डिंग बताऊं मैं डाटा तो क्या चीज है हमारे सामने देख लीजिए दोस्तों। एक बार आप बैठा यहाँ पे करंटली दोस्तों जो टेक्निकली है वो बी के टाइम बाई का संकेत दिया जा रहा है। एंड एनालिटिक्स वालों की तरफ से कोई रिटर्न, जो कोई भी व्यू अपना नहीं दिया गया है। पिछले 1 साल में भाई 325% तक के रिटर्न ये दे चुका है, 325% के। आप सोचो किस तरीके से स्टॉक भागा है, 300 रुपए का स्टॉक ये हुआ करता था, 300 का 600 गया, 600 का 1200, 1200 का करंटली भी के टाइम ये 2200 तक यहाँ पे आ चुका है स्टॉक। तो बड़ी रेली स्टॉक ने दिखाई है, लॉन्ग टर्म में भाई अभी भी ग्रोथ बाकी है स्टॉक ऐसा नहीं। देखो अभी के टाइम बाकी है, एक तो इलेक्शन, इलेक्शन में देखो क्या चीजें, इलेक्शन अगर चीजें सही रहती है, गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं बदलती है हमारे लिए, तो मार्केट के लिए चीजें सही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा, जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे ईवी को टोटली भी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बहुत फोकस कर रही है ईवी पे, यानी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे वगैरह पे बहुत फोकस चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें सही रहेगी। एंड यहाँ से दोस्तों मार्केट आपका डाउन नहीं जाएगा, मार्केट अभी और ग्रो करेगा यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म वाले ध्यान दें, अभी के टाइम मौका है। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करके हर एक अपडेट टाइम टाइम आपको